हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू चाणक्य IAS एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव्स के बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक राइज हो चुका है। हमारे अगल बगल इन्वायरमेंट में जो हीट है वो काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ चुकी है। तो इस वीडियो में हम उन सारे प्रस्पेक्टिव के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हीट वेव्स होती क्या हैं और उनके इम्प्लिकेशंस क्या हैं और क्या मिटिगेशन स्टेप लिए जाने चाहिए हीट वेव से कोप अप करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा देखेंगे। अगर हम बात करें तो लैंसेट की एक रिपोर्ट आई जिसमें लैंसेट ने ये बताया कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर एक्सट्रीम क्लाइमेट की कंडीशन वो 15% से राइज कर गई है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट डिकेड में, यानी कि 1990 से 2019 के बीच में। वहीं अगर हम बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ग्लोबली कुछ जगहों के जो टेम्परेचर हैं वो 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए। 2022 में जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो गया है वो है 60 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि अगर हम हीट वेव की एक्सट्रीम की बात करें तो अभी अगर पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर देखें तो 40-45 डिग्री सेल्सियस तक हाईएस्ट है, यानी कि ये 60 डिग्री सेल्सियस तक भी मैक्सिमम जा सकता है। ये जो हीट वेव है बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, क्यों हीट वेव बढ़ रही है समर के जो सीज़न में, क्योंकि रेनफॉल कम होती है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी लो होती है, इस कारण से टेम्परेचर बढ़ता जाता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन और जो हमारे क्लाइमेट चेंज का इम्प्लिकेशंस है वो भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब आइए हम जानते हैं हीट वेव होती क्या है। देखिए, बेसिकली जो मई से जून का समय होता है वो समर मंथ भारत में डिक्लेयर्ड है। उस समय में मॉनसून जो है आया नहीं होता है और जो गर्मी है वो काफ़ी चरम पे रहती है। लेकिन अभी के समय में क्योंकि ये हीट वेव अचानक से लास्ट के जो डिकेड्स हैं, लास्ट का जो एक डिकेड है और उसमें भी जो 5 साल हैं, उन 5 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ी है क्योंकि पॉल्यूशन और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अगर हम हीट वेव को देखें तो ये एक एक्सटेंडेड पीरियड है। उस समय में जो पृथ्वी का तापमान रहता है वो बहुत हाई रहता है और ये जो महीना होता है या फिर ये जो पूरे पीरियड होते हैं इसी को हीट वेव का पीरियड कहा जाता है। कभी कभी ये जुलाई तक भी पहुंच जाता है, ये नहीं कि सिर्फ मई और जून में ख़त्म हो जाए। कभी कभी मानसून डिले हो जाता है, उस कारण से जो जुलाई है वो भी हमारा हीट वेव की पीरियड के एक्सटेंडेड पीरियड के अंतर्गत आ जाता है। IMD ने जो हीट वेव है उसे थ्रीशोल्ड टेम्परेचर के बेसिस पर कैटेगराइज किया है। हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे जब हम क्राइटेरिया वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम IMD की एक और सिग्निफिकेंट जो उसने रीडिंग निकाली है उसे देखते हैं। IMD ने ये कहा कि पहले भारत में जो हीट वेव के नंबर ऑफ डेज हुआ करते थे वो 413 हुआ करते थे। वो पीरियड था 1981 से लेके 1990 तक। लेकिन अब जो डिकेड चल रहा है यानी कि 2011 से 2022 के बीच में ये 413 डेज से इंक्रीज होकर 600 जो डेज है उसका पीरियड हो गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 413 से 600 डेज ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है नंबर ऑफ डेज में, यानी कि अब 600 दिन पूरे भारत में हीट वेव चलती है। अगर हम देखें कि क्या क्राइटेरिया IMD ने डिक्लेयर किया है, कब हम मानेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में हीट वेव चल रही है। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स का जो मैक्सिमम टेम्परेचर माना गया है नॉर्मल वो 40 डिग्री सेल्सियस माना गया है और हिली रीजन का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुँचता है प्लेन्स में तो उसको जो है हीट वेव जोन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर कोई हिली रीजन है वहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पहुँचता है तो उस हिली जोन को जो है वो हीट वेव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कई सारे मिटिगेशन स्टेप्स और गाइडलाइंस जारी किए इस हीट वेव से कोप अप करने के लिए। हम देखेंगे कि हीट वेव के क्या क्या इम्पैक्ट है इंडिया के अंदर। देखिए, हीट वेव का सबसे पहले हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसे कि जब हीट वेव है वो वल्नरेबल ग्रुप्स को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है।
ये वो लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी में या तो मार्जिनल फार्मर्स हैं, या तो लेबर है, या तो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। हीट वेव के कारण जो है इनकी एफिशिएंसी, साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है काम करने की, और ये कम दिनों तक काम भी करते हैं क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी जो है इनकी तबीयत खराब होती है, और उस कारण से जो इनके नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो भी कम हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जब वर्कर लेबर्स इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम होगी तो अल्टीमेटली इसका इकोनॉमी पे भी हमारे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ जो हीट वेव है वो एग्रीकल्चर को बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है। कैसे? सबसे पहले तो हमारी क्रॉप यील्ड को वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, जो हमारी ग्रेन्स की क्वालिटी है उसको भी वो डिग्रेड करेगी। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश रीजन की, तो वहाँ पर जो राबी की फसल है, यानी कि जो गेहूं की फसल है, वीट की फसल है, उसमें भारी मात्रा में गिरावट भी देखी गई है इस हीट वेव के चलते। अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया में इस हीट वेव की वजह से जो वीट का प्रोडक्शन है वो 6-7% तक डिग्रेड कर गया है। हीट वेव का जो असर है वो लाइफ स्टॉक और डेयरी फार्मिंग जो है उस पर भी पड़ता है। कैसे? यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने ये बताया कि इस सेंचुरी के अंत तक जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया का वो 25% तक डिक्लाइन कर जाएगा कंपेयर टू 2005 लेवल। और ये जो 25% का डिक्लाइन देखा जाएगा ये स्पेशली जो हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि हीट स्ट्रेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे कि आप राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र ले लो। अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव का जो डायरेक्ट इम्प्लिकेशन है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर भी पड़ता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि जो पावर कट है वो बहुत बड़ी समस्या बन गई मई, जून, जुलाई के महीने में भारत के लिए। कोल प्रोडक्शन में भी हमारी इसी वजह से दिक्कत आई, और आपको पता होगा कि इसी कारण से जो हमने कोल प्रोडक्शन की गाइडलाइंस है उसको भी चेंज किया, ताकि हम इन आने वाले 3 महीनों में, जो कि एक हीट स्ट्रेस मंथ होते हैं, उसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है उसमें कोई कमी ना आए। अगर हम देखें अप्रैल के मंथ में जो नॉर्मल एक प्रोडक्शन होता है, नॉर्मल एक जो डिमांड होती है मार्केट में हीट स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की, वो जो है अप्रैल आते आते 13% तक राइज करती है। लेकिन जैसे ही मई का महीना आता है और हीट वेव स्टार्ट हो जाती है, वो कंजम्पशन डिमांड बढ़ के अचानक से 30% हो जाती है। अब ये कंजम्पशन डिमांड बढ़ती क्यों है? क्योंकि एक्सटेंसिव हीट के कारण जो है, जो पीपल हैं वो कूलिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर और काफ़ी सारे कूलिंग सिस्टम्स के ऊपर रिलाई करने लगते हैं, और वो जो है वो काफ़ी लोड लेते हैं, और जिस वजह से पावर ग्रिड पे बहुत ओवरलोड हो जाता है और पावर कट की समस्या आ जाती है। एक रिसर्च कंडक्ट हुआ 2019 में, टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इन्होंने जॉइंटली एक रिपोर्ट निकाली जिसमें लिखा गया कि आने वाले समय में 1.5 मिलियन इंडिविजुअल की मौत हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस। तो एक ये भी काफ़ी चिंताजनक बात है कि हीट स्ट्रेस से पॉपुलेशन जो है वो भी इम्पैक्ट होगी। अगर हम फर्दर मोर बात करें तो हीट स्ट्रेस से ये हमने मेजर इम्पैक्ट देखे, कुछ माइनर इम्पैक्ट जैसे डायबिटीज, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब होती हैं लोगों की, और साथ ही साथ फूड प्राइसेस और जो इकोनॉमिक हाउस होल्ड है या फिर कंट्रीब्यूशन है मॉल न्यूट्रिशन में, और साथ ही साथ केमिकल की जो चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हीट वेव की वजह से। तो ये सारी समस्याएँ जो हैं एक सिर्फ हीट वेव की वजह से उत्पन्न हो रही, जिसके तहत जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है लोगों की, जो नॉर्मल इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर है, हर एक सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है। अब हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस गाइडलाइंस को फॉलो करें जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने इसके मिटिगेशन के लिए निकाली थी। तो अगर हम देखें कि हम किस तरीके से हीट वेव से मिटिगेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि जो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया है, हम उन सारे पॉइंट्स पर जो है अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करें। साथ ही जो भी पॉलिसीज़ हैं और जो स्पेशली हीट वेव प्रोन एरिया है वहाँ पर हम एक रिजाइलेंट डिज़ास्टर एडेप्टेशन स्ट्रेटजी का निर्माण करें, ताकि उन एरियाज़ को स्पेशली जो है जो हीट वेव से इफ़ेक्टेड है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके।
साथ ही साथ हमें पब्लिक को भी अवेयर करना है और हमें कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होंगे, जिससे हमें पहले से ये पता चल जाए कि जो हीट वेव है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी, कितना कितना उसका इम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा, क्या टेम्परेचर होगा और वो किस समय से किस समय तक रहेगी या किस समय आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेंगी मिटिगेट करने में। अगर हम बात करें तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान सच एज नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो NAPCC का प्लान है, इसके तहत जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई है वो बहुत ज़रूरी है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ ऐसे डिजास्टर से कोप करने के लिए। IPCC की जो रिपोर्ट है, जो थर्ड रिपोर्ट AR6 की निकाली गई है, उसमें एक चीज़ हाईलाइट की गई, उसमें ये बताया गया कि हीट वेव से कोप अप करने के लिए इंडियन बिल्डिंग डिज़ाइंस जो कि पहले बनाई जाती थी, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग डिज़ाइंस हैं, वो हम एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी क्लाइमेट रिजाइलेंट और एक मिटिगेशन के तहत बनाई गई हुई डिज़ाइन है। अगर हम उन सारी डिज़ाइंस को आज के डे में प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट कर सकते हैं तो वो हमें हमारी सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक साबित होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.